मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस निराला व्लॉग्स। तो देखिए, आज हम सुबह सुबह जा रहे हैं कहीं, हम जा रहे हैं किस मंदिर में, और आप, मैं और निराला जी जा रहे हैं। और सुबह के अभी बज रहे हैं 7, और हम नहा धो लिए हैं। नहा धोकर हम घर से निकल चुके हैं। हमने कुछ भी नहीं खाया पिया अभी, क्योंकि मंदिर जा रहे हैं तो खाली पेट ही जाएंगे बिना कुछ खाए पिए। और देखिए, मैं जल्दी जल्दी में जैकेट लाना भूल गई, और ये निराला जी ने फिर मुझे अपनी जैकेट दी है कि इसको पहन लो तब तक। मैं सुबह इतनी जल्दी, मैं भूल ही गई, मैंने निकाल रखी थी और मैं लाना बिल्कुल भूल गई। तो बस अब हम निकल चुके हैं यहाँ से। तब मैंने थोड़ा ब्लोअर चलाया, वैसे तो गाड़ी में ठंडा नहीं लगता है, पर फिर भी मैंने जबरदस्ती दी उन्होंने कि पहन लो पहन लो। कितनी लूज आ रही है मेरे, देखिए बहुत टाइट आ रही है, बहुत मोटी आई। मोटी नहीं हूँ मैं, इसके पास बहुत, मुझे बहुत लूज आती है, इसे कितनी टाइट आ रही देख लीजिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी मोटी होगी। हाँ वही तो, मैं मोटी हूँ और निराला जी बहुत ज्यादा कमजोर हो रखे हैं बेचारे, क्या कर सकते हैं। मैं तो डाइटिंग में हूँ आजकल, खाना नहीं खा रहा हूँ। देखिए डाइटिंग पे है निराला जी। तो हम जा रहे हैं सुबह सुबह, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनको फिर ऑफिस भी जाना है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं, उसके बाद फिर वापस आ रहे हैं जल्दी। वो भी ले चलते हैं अपने साथ में, हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। ये निकल गए हैं हम रास्ते में। तो देखिए, ये नीविया की क्रीम भी ली है हाथ में लगाने के लिए, आजकल ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। और मैं जल्दी जल्दी मैंने हाथ में भी, तभी मैंने गाड़ी में रखी हुई थी, निराला जी ने ये लगाई है मैंने। तो ये देखिए, यहाँ से इस रोड से जा रहे, रूट तो मैंने कई बार आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो बताते हैं आपको भी हम कौन से मंदिर में जा रहे हैं आज सुबह सुबह। तो वैसे भी ट्रैफिक कम होता है, जल्दी पहुंच जाएंगे हम लोग, है ना। गाड़ी थोड़ा है, हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर बनाऊंगा गाड़ी का। तो ये देखिए, ये है बुद्धा चौक, ये देखिए यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं, हम जाएंगे घट्टा कर होते हुए। ये देख सकते हैं आप, अभी रेड लाइट भी ऊपर नहीं हुई है, अभी ब्लिंक ही कर रही है येलो लाइट। और ये देखिए, ये है पंचायती मंदिर, यहाँ का शिव मंदिर। और आज बता, ये देखिए, ये है पीपल का पेड़, बहुत साल पुराना है ये पीपल का पेड़। मैं तो इसको एज इट इज ऐसे ही देख रही हूँ। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, यहाँ से ये हमारा घंटाघर। मैंने तो खुद लगाया था अपने हाथ से। मैं तो जरूर लगाया होगा अपने हाथ से, देखिए कितने विक्रम खड़े हैं अभी। और जब जाने की कहीं, जब जब जाओ ना, जब मैं अपने मायके जाती हूँ कभी वैसी गाड़ी से, तो एक भी विक्रम यहाँ मौजूद नहीं मिलता, गाड़ी ही नहीं मिलती यहाँ पे। लेकिन सुबह सुबह का समय है तो गाड़ी इतनी सारी यहाँ पे खड़ी हुई है। तो देखिए, हमने मास्क भी लिया हुआ है, अभी अभी हम गाड़ी में है तो मास्क नहीं पहन रहे हैं, बाहर निकलेंगे तो पहनेंगे। आज पता है मेरे गले में भी खराश हो रही है, दर्द खराश से हो रही है, दर्द टाइप का हो रहा है। पता नहीं क्यों रही खराश इतनी, लगता है तबीयत खराब होने वाली है, इसलिए भी होती है ना। ठंडा पानी पियो और ठंडा पानी पियो। मैं फ्रिज का पानी थोड़ी ना पी रही हूँ, जो ठंडा पानी पियो, आप तो ऐसे बोल रहे हो। गाइस, ये फ्रिज का पानी पीती है। कौन मुझे पी? मुझे गर्म पानी पिलाती है। फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ मैं, ये मेरे पे अत्याचार करती है बहुत। हाँ वही तो, नहीं फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ मैं ठंडा पानी, मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ। मुझे गर्म पानी, मेरे से प्यास नहीं बुझती गर्म पानी से, मेरी गले में खराश हो रही है। और आपको पता है कोविड के, दोबारा से कोविड आ चुका है, नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, नया वेरिएंट आ चुका है ओमिक्रॉन। और ये उस जो दो कोरोना वायरस के जो दो वेरिएंट थे उससे भी ज्यादा डेंजर है इसमें गाइस, ना आपको बुखार आएगा, ना आपको खांसी होगी, ना आपको गला दर्द होगा, सीधे सीधे आपको सांस लेने में बाद में दिक्कत होगी, निमोनिया पकड़ जाएगा सीधे, जो सीधे सीधे आपके एक्सरे में दिखाई देगा, मतलब बहुत पावरफुल है ये। तो आप इससे बच कर रहिए, सामाजिक दूरी बना के रखिए, और मास्क को वेयर करिए, बार बार हाथ धोइए, सैनिटाइज करिए, और उन्हीं सब नियमों का अनुपालन करिए जो हमने 2020 और 21 में किया है। सही में यार, अगर हमें इसको मात देनी है, अपनी तो अपना बचाव ही अपनी सुरक्षा है। अगर हमने इसको मात देनी है तो हमने ऐसा करना ही पड़ेगा, तभी हम बच सकते हैं। क्योंकि देखिए, इस
इस कोविड काल में, जो अभी कोविड काल बीत चुका है, उसमें हमने अपनों को, कई कई लोगों ने अपनों को खोया है, हमने भी खोया है, बहुत दुख है। ऐसा भी हो गया है कि अब साल दर साल जो है हम अपनी अपनी वैलिडिटी बढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार से हम अपना रिचार्ज करते हैं मोबाइल का, 1 महीने 2 महीने, तो कोरोना के अब कैसे जब से आ रहे हैं तब तक लग रहा है कि अब 1 साल हमने झेल लिया है, अब 1 साल और झेल लें, 1 साल और झेल लें, तो जीवन बड़ा कष्टदायी हो गया है। और अब कैसे कैसे हर साल हम जो है, जब 20 में पहला कोरोना आया था तो उस समय हमने ये सोचा था कि 1 साल बीत जाए उसका सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर 2021 में भी फिर वही स्थिति हुई, फिर हमने कहा ये साल बीत जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब 2021 आने वाला है और फिर से वही स्थिति आ गई है। देहरादून में तो कई जगह लॉकडाउन भी लग चुका है, तो फिर वही स्थिति आ गई है और अब हम फिर से अपने जीवन की जद्दोजहद में लग गए हैं कि कैसे उसको बचाएं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप उन सभी नियमों का अनुपालन करें जिससे हम कोरोना से मास्क पहन के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग में रहें और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बच के रहें। भीड़ भाड़ वाली जगहों में बिल्कुल ना जाए, क्योंकि आजकल लोग बिल्कुल बेफिक्र हो गए थे, बिल्कुल भी वो मास्क वेयर नहीं करते थे, भीड़ भाड़ वाली भीड़ों में घुसते जाते थे। और शादियों में भी आप देखोगे, शादी पार्टी कहीं भी होगी, कितनी भीड़ है वहां पर भी, बाप रे। टॉन्स नदी है ये।
किसने बोला? पेट्रोल यूनिवर्सिटी इधर को है बेचारे, सुबह सुबह सब अपने काम पे लग चुके हैं। मेरी मम्मी भी इतनी दूर से जाती है ऑफिस, इतनी दूर से दो गाड़ी चेंज करके जाती है। ये तक देखिए लॉ कॉलेज कितने इस पर फैला हुआ है। तो देखिए दोस्तों, मैं घर आ गई हूँ और मैं आपके साथ में मंदिर की वीडियो भी आपके साथ में शेयर नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो मंदिर में वो कैमरा ले जाना भी अलाउ नहीं था और फ़ोन जैसे निकाला उन्होंने सीधा बोला आप रख दीजिए फ़ोन, यहाँ पे फ़ोटो खींचना वीडियो बनाना शूट करना अलाउ नहीं है। तो मैं नहीं कर पाई आप लोगों के लिए, तो मुझे बहुत दुख भी हो रहा है मुझे। तो थोड़ा बहुत मैंने जो किया था वो क्लिप भी मुझसे मिस हो गई, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो सॉरी उसके लिए दोस्तों। तो देखिए मैं घर आ गई हूँ और इस समय बजे हैं 11 बजे हैं और हम लोग निकल गए थे, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था तो भूख भी लगी है बहुत, ऐसे खा लेती हूँ कुछ, उसके बाद खाना बनाती हूँ, देखती हूँ आज खाने में क्या बनेगा। अच्छा आज तो मैंने मम्मी से पूछा है खाने में क्या बनेगा, मम्मी ने कहा आज कद्दू की सब्ज़ी बनाई है मैंने आज, वो भी दही वाली, दही डाल के बनती है जो बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में। तो बिल्कुल आप भी ज़रूर उस तरह से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं अपने किचन में। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जो कद्दू लिया है इसको मैंने कट कर लिया है, कट करके धुल दिया है मैंने, ये हरा कद्दू है। तो मैं इसको आज चावल के साथ बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लोहे की कढ़ाई ली है और इस कढ़ाई पर मत जाइएगा, इसका कलर ही ऐसा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, लोहे की कढ़ाई में ही बना रही हूँ मैं इस तरह से, क्योंकि कोई भी पहाड़ी डिश है तो लोहे की कढ़ाई में ही बनती है ज़्यादातर डिशेस। तो हमारा यहाँ पर तेल गरम हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए मैंने मेथी ली है तड़के के लिए और मिर्च ली है और हींग और जखिया। तो सिंपल तरह से ही मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तो देखिए मैं इसमें और कुछ भी मैं इसमें नहीं डालूंगी, इसी तरह से बनाऊंगी सिंपल तरह से। तो यहाँ पर हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, मैंने इसमें मेथी डाल दी है, पहले मैंने मेथी डाली इसमें, तो फिर जीरा सॉरी जखिया और फिर थोड़ा सा हींग और मिर्च, बस इसी तरह से मैंने इसमें तड़का दिया है और बहुत अच्छा बना था। पहले मैं नहीं खाती थी लेकिन जब से मेरी शादी हुई है तब मैंने यहाँ पहले फर्स्ट टाइम खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी अपने घर पे इस तरह से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और एक बार मैं तो बोलूँगी एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और उसको चावल के साथ खाइएगा, भात के साथ, चावल के साथ खाने में ही मज़ा है पहाड़ी डिशेस कोई भी हो। तो आप चाहे वो धबड़ी ले लीजिए, आप चौसी ले लीजिए या आप कुछ भी ले लीजिए, इसका मज़ा आप उसी के साथ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कद्दू इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से मैं चला लूँगी, कई दिनों से पड़ा हुआ था इस तरह से तो आसान नहीं करते, लेकिन मैं कब से सोच रही थी कि मैं दही वाला कद्दू बनाऊँगी और मुझे भी अच्छा लगा, वो अच्छा लगता है वो। तो इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम सारी सब्जियों कद्दू को। और देखिए ये नया तरीका है, इस तरह से मैंने यहाँ पर भी फर्स्ट टाइम ही बनाया था और मुझे अच्छा लगा इस तरह से बनाना। आप लोग भी इस तरह से ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना ज़रूर। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, थोड़ा सा मैंने पहले डाला, थोड़ा सा अब डाल रही हूँ मैं नमक, नमक इसमें डालूँगी ताकि कद्दू हमारा जो है अच्छे से गल जाए। तो
तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और ढककर इसको रख दूंगी पकने के लिए। आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, जो लहसुन अगर प्याज लहसुन वगैरह लहसुन डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाली है। मैं इसको सिंपल ही तरह से बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको ढक देती हूँ, मैंने ढक दिया है ये। तो अब ये एक बार और इसको मैंने खोल कर देखा है। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने हल्दी इसमें ऐड की है, नमक तो मैंने पहले ही इसमें ऐड कर दिया था, और यहाँ पर देखिए मैंने मिर्च ली है थोड़ी सी। मैंने ज़्यादा मिर्च नहीं डाली क्योंकि मैंने पहले भी इसमें साबुत मिर्च डाली है तुड़के में। तो यहाँ पर देख सकते हैं धनिया पाउडर डाल दिया मैंने इसमें। अब इसको अच्छे से चला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और इसको ढक ढक कर ही मैं पकाऊंगी। इसको ढकने के लिए छोड़ देती खानी हूँ। है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो सब्जी है, इसको ये देख सकते हैं मैंने एक बार इसको निकाल दिया। फिर मैं इसको चम्मच से ऐसे इस तरह से इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखिए अब ये हुई नहीं है, मैं फिर ढक दूँगी इसको, फिर पकने के लिए इसको छोड़ दूँगी। बीच बीच में मैं इसको चेक करती रहूँगी कि हुई है नहीं हुई है। और यहाँ पर देखिए गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल कम किया है। यहाँ पर मैंने दाल बनने के लिए रखी है क्योंकि कई लोग हैं जो नहीं खाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कद्दू हमारा जो है तो देखिए दोस्तों अच्छे से अच्छे से गल चुका है। अब मैं इस मैशर की सहायता से इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। देखिए इस तरह से इसको मैश कर लेंगे हम, ताकि बिल्कुल बिल्कुल भी इसमें कद्दू वैसा ना रहे, अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि गल तो गया है कद्दू, बस अब इसको मिक्स करना रह गया। इसका तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए दही इसमें अभी नहीं हम डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं दही भी ले आई हूँ, और देखिए इससे फिर मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी दोबारा से। और देखिए कितने अच्छा कलर आ गया हमारी सब्जी में, अच्छे से मैश हो चुका है हमारा पूरा कद्दू। तो यहाँ पर देखिए मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब बंद करने के बाद ही मैं इसमें दही डालूँगी, क्योंकि अगर मैं इसमें ये देखिए मैंने इसमें आधा किलो दही लिए, आधा किलो है ये दही, और इसमें बाद में डालूँगी क्योंकि अगर मैं इसको उसी समय डाल दूँगी तो जो दही है वो फट जाती है, फटी फटी सी हो जाती है सब्जी में गर्म गर्म गैस ऑन करके डालूँगी। तो इसलिए मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और तब मैं इसमें दही डाल रही हूँ। तो ये देखिए मैंने सारी दही इसमें डाल दी है। अब मैं इसको अच्छे से चला लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको कद्दू में, तो ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से इसी में इसमें फटी फटी ना रहे, अच्छे से मिक्स हो जाए ये। तो अच्छे से इसको इस तरह से चलाती रहूँगी जब तक दही जो है पूरी मिक्स ना हो जाए हमारे कद्दू में। तो वाओ ये देख सकते हैं सब्जी का कलर कितना अच्छा आने लग गया है। देखिए तो ये देख सकते हैं आप कि कितनी अच्छी टेस्टी सब्जी बनी है हमारी, लाजवाब सब्जी। कलर भी देख सकते हैं आप कितना अच्छा है। तो थोड़ा सा मैं गैस का फ्लेम ऑन कर देती हूँ, थोड़ा सा इसको पका लूँगी थोड़ा सा, तो कम गैस में ही मैं इसको इस तरह पर, लेकिन मैं इसको चलाती रहूँगी, छोड़ूंगी नहीं। अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो फटाफटा सा हो जाएगा हमारी सब्जी, दही वो हो जाते हैं ना कुछ पता नहीं गर्म करके फटी फटी सी हो जाती है, इसलिए मैं चलाती रहूँगी इस तरह से। तो ये देखिए मैं कंटिन्यू चला रही हूँ उसको इस तरह से, ये देख सकते हैं आप। और कलर देखिए आप सब्जी का कितना अच्छा कलर आया, ये देखिए शानदार कलर। कोई कद्दू किसी को कद्दू पसंद भी नहीं होगा ना, वो फिर भी मांग मांग कर खाएगा आपसे। तो मैंने तो देखिए बच्चों के लिए दाल भी बनाई थी, मैंने कहा बच्चे खाते हैं नहीं खाते हैं हमारे, तो बच्चों ने भी खा ही लिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी सी दाल बनाई है और चावल भी हमारे जो है बन चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्लेट लगा लिया, सबको खिला दिया, अपने लिए लगाई है कद्दू की सब्जी है, थोड़े से चावल हैं और एक रोटी है। तो आइए दोस्तों आप भी खा लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।